वीर सेनानी कल्याण संस्थान के कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पेडलेगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्य ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। देश की आजादी के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि नेताजी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करें तथा देश को महान बनाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर वीर कल्याण सेनानी के सदस्य जनरल शिव जायसवाल, अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही, उपाध्यक्ष ओमकार नाथ मिश्रा, महामंत्री प्रदीप कुमार यादव, प्रमोद कुमार पांडे, शिवाजी यादव, बैरागी साहनी, राम प्रसाद फौजी, अबुल हसन अंसारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वीर कल्याणी सेनानी संस्थान के सदस्य मेजर जनरल शिव जायसवाल तथा ब्रिगेडियर गोविंद मिश्रा ने कहा। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं रिटायर्ड फौजी सुभाष चंद्र बोस साहब की याद में। उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है और यही सबक और यही बात हमको याद रखनी है कि उनके बताए हुए आदर्शों पे जितना जोश था उनको अपने देश के लिए अपनी भक्ति थी, हम लोग भी उसी को फॉलो करें और भारत को एक महान देश बनाएं। हमारे देश में हर तरह की काबिलियत है, बस मेहनत करके उनके आदर्शों पर चल के हमको अपना देश भारत देश एक महान देश बनाना है। धन्यवाद। मैं ब्रिगेडियर गोविंद जी मिश्रा, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तर प्रदेश। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती के अवसर पर हम सब पूर्व सैनिक गोरखपुर के पेडलेगंज के सुभाष चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देने और उनको नमन करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे और कमांडर इन चीफ थे, हम फौजियों के लिए एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें हम शुरू से ही नमन करते रहे हैं। उनके पद चिन्हों में, उनके बताए रास्तों पर, उनके मार्गदर्शन पर जिस तरीके से देश के लिए सावर होने के लिए उन्होंने पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और वहाँ से पहले जर्मनी में जब थे तो वहाँ भी उन्होंने जो भी सैनिक थे जो अंग्रेजी फौज में काम कर रहे थे और जर्मन कैद में थे उन सबको इकट्ठा करके एक हिंदुस्तान की फौज खड़ी की थी जो जर्मन के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। हम ये आज विशेष तौर पर याद करना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की फौज जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी वो 14 अप्रैल को 1945 मणिपुर में मोरंग जगह पर अपने भारत का परचम फैलाया और सबसे पहले देश वो वहाँ पर स्वतंत्र डिक्लेयर करके और भारत भूमि पर आज़ाद हिंद फौज का कब्जा हुआ। उसके लिए हम नेताजी और आज़ाद हिंद फौज को हमेशा याद करते रहेंगे, उनको नमन करते रहेंगे। धन्यवाद।